दारू बद नाम कारी थी नाम कारी। देखो भाई मनमोहन जी हमेशा साइलेंट मोड पर ही रहते थे, बाकी का सबसे बढ़िया रिंगटोन थी वो थी नीतीश जी की। और यदि आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में शशि थरूर जी के लिए कोई बढ़िया सी रिंगटोन सजेस्ट कर सकते हैं। बिग न्यूज इज कमिंग इन फ्रॉम वेस्ट बंगाल वेयर कोलकाता पुलिस हैज सेंट अ लीगल नोटिस टू ममता बनर्जी फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। हो सकता है कि इसे सुनकर आपको ऐसा लगे कि क्या है मजाक चल रहा है, बट सच यही है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। एक राज्य की मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में हुए अपराध के लिए न्याय की मांग कर रही है, और किससे कर रही है? प्रशासन से। प्रशासन किसका? खुद इनका ही। ये खुद ही वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, खुद ही वहाँ की होम मिनिस्टर हैं, और खुद ही वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और अब यही प्रोटेस्टर भी हैं। किंतु परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये रेप की घटना कोलकाता में हुई है, कोलकाता पुलिस की नाक के नीचे हुई है, जो अपराधी हैं वो भी कोलकाता के हैं, पर ये ममता बनर्जी किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? आज ममता बनर्जी अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए और कितने निचले स्तर तक गिरेंगी? आज इनके लिए एक बेटी को न्याय दिलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण इनकी राजनीति हो गई है। हमारे ऊपर अगर कोई मीमे बनाएगा तो हम उसके ऊपर केस कर देंगे, लेकिन इस बड़े मामले में हम शांत रहेंगे और जहां बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उधर हम चुप रहेंगे। खैर, ममता बानो का ये वीडियो AI जनरेटेड है, बट बंगाल में आज सेम यही हो रहा है। आज बंगाल चल रहा है, बलात्कारी आजाद घूम रहे हैं, लेकिन ममता दीदी गुलाम पुलिस उन्हें टारगेट करने पर लगी हुई है, जो सोशल मीडिया पर इसके लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं, हक की आवाज उठा रहे हैं। आज जो कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है डॉक्टर बहन बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो ममता दीदी की पुलिस उसे ही लीगल नोटिस भेज दे रही है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, उसे धमका रही है। और वहीं इसके उलट जो अपराधी है ममता दीदी गुलाम पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश में लगी हुई है। 9 अगस्त की सुबह से ही ट्रेनी डॉक्टर ममता देवनाथ के सब मिलने के बाद से ही ममता दीदी का प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने पर लगा हुआ है। पूरा प्रशासन अपराधियों को पकड़ने की जगह पर इस घटना को दबाने पर लग जाता है, और यहाँ तक कि इस पूरी घटना को दबाने के लिए पीड़ित के परिवार, उनके माताजी और पिताजी से झूठ बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। वैसे तो यदि आप अपनी FIR लिखवाने जाएंगे तब आपको अपनी AD चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर FIR लिखी जाएगी। लेकिन ताज्जुब की बात कि इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के 9 अगस्त को इस घटना के बाद अनरेचुरल डेथ में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली। हाँ, वो अलग बात है, सोशल मीडिया पर उस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा उठाया गया। ममता देवनाथ के माताजी व पिताजी के शिकायत के बाद तब कहीं जाकर पुलिस ने रेप व मर्डर का केस दर्ज किया। और दूसरी ताज्जुब की बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई, जिस घटना ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ममता दीदी के प्रशासन की हिपोक्रेसी इस लेवल की है कि यदि आप यही सेम बात ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर कहीं भी पोस्ट करते हैं, बोलते हैं, तब आपको लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर FIR दर्ज करवा दी जाएगी, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। और ममता दीदी गुलाम पुलिस इस पर सफाई ये देगी कि आप गलत अफवाह फैला रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो सेमिनार हॉल में नहीं, उसके आस पड़ोस में हो रहा था। यानी कि इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग जो अपराधी थे वो अचानक से सेमिनार हॉल में ही प्रकट हुए, वहीं पर मर्डर व रेप करके वहीं पर वो विलुप्त हो गए, इसके अलावा कोई दूसरा और क्राइम सीन है ही नहीं। और जब ये घटना हो जाती है उसके बाद वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं जो धरना दे रहे होते हैं, उसके बाद वहां पर अचानक से एक भीड़ आती है इतने सेंसिटिव एरिया पर जहां पर पुलिस भी तैनात होती है, भीड़ आती है वहाँ पर, तोड़फोड़ करती है और चली जाती है, पुलिस बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। यदि आप जरा भी समझदार हैं और आपने वो वाला चश्मा नहीं पहन रखा है कि घटना BJP शासित राज्य में हुई है या अन्य किसी राज्य में हुई है, और आप जब इस घटना को समझना चाहते हैं तब आप इतनी बात को तो आसानी से समझ ही सकते हैं कि ये जो भीड़ आई थी वो बस सिर्फ और सिर्फ सबूत ही मिटाने आई थी, और ये भीड़ अपराधियों को बचाने के लिए अपना काम करके निकल गई। पुलिस प्रशासन था वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, बस सोशल मीडिया पर लोगों को लीगल नोटिस भेजता रहा। आज ये सब देखने के बाद मुझे यही लगता है कि कोलकाता पुलिस का यही स्लोगन होना चाहिए कि काम करूं डेस्क पर, लीगल नोटिस भेजूं रात भर। और बाकी का कोलकाता पुलिस की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इस पूरी की पूरी घटना को सिर्फ और सिर्फ संजय राय ने ही अंजाम दिया है, और संजय राय से पूछताछ शुरू होते ही उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, उसे इसका कोई पछतावा भी नहीं है, उसने बेफिक्री से कि और चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें साफ साफ बताया गया है कि ये किसी भी एक व्यक्ति का काम नहीं है। 12 अगस्त को आई इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ममता दीदी गुलाम पुलिस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। 4 पेज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया है, और पीड़िता की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह व उनके गले को लगातार दबाया गया, और गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया, और जो डॉक्टर पीड़िता थी उसके सर को दीवार से सटा दिया गया ताकि वो चिल्ला ना सके। पेट, ओंट, उंगली और उनके बाएं पैर पर चोट पाई गई, और उन पर इतनी तेजी से हमला किया गया कि उन्होंने जो गिलास पहन रखा था, चश्मा पहन रखा था,
वो टूटकर उनकी ही आंखों में घुस गया। उनके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। जिस क्रूरता के साथ महिला डॉक्टर को मारा गया, उनका बलात्कार किया गया, ये कोई भी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। आज ममता दीदी की पुलिस 6-7 दिन के बाद भी सिर्फ एक ही अपराधी को गिरफ्तार कर पाई है, बाकी के अपराधियों के बारे में पुलिस पता करने की कोशिश तक भी नहीं कर रही है। और ममता दीदी के प्रशासन की मिली भगत इस लेबल की है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं, उन पर 3 दिन तक कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती है। और जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर जाकर उठा, तब कहीं जाकर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ इस्तीफा दे दिया। लेकिन ममता दीदी के प्रशासन का डॉक्टर संदीप घोष के लिए प्यार मोहब्बत इस लेबल का कि इधर उन्होंने इस्तीफा दिया, उधर 12 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर संदीप घोष के लिए कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल व कॉलेज का उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। और ये सब उस स्टेट में हो रहा है जिसकी मुख्यमंत्री खुद ही एक महिला है। फिलहाल तो इस केस को भी सीबीआई को सौंप दिया गया। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ममता दीदी ने इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा है, हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंपा है। और सीबीआई भी इस मामले की तब तक अच्छे से जांच नहीं कर सकती जब तक लोकल पुलिस का उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ममता दीदी का प्रशासन कितना सहयोग करेगा, ये तो आप लोगों ने इन दिनों में देख ही लिया होगा। और आज हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद भी हमारे देश का जो विपक्ष है वो शांत बैठा हुआ है। वैसे तो राहुल गांधी व प्रियंका गांधी भागकर हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कोलकाता नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद राहुल गांधी के पैरों पर मेहंदी लगी होगी और प्रियंका गांधी के पैर में मोच आ गई होगी, क्योंकि जो हाथरस था वो बीजेपी शासित राज्य में आता था, वहाँ इन्हें कुछ पॉलिटिकल फायदा मिल जाता है, लेकिन कोलकाता में जाके इन्हें कोई भी पॉलिटिकल फायदा नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए ये बेचारे वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। शेम ऑन ममता बनर्जी। A young female doctor on night duty at RG Kha Medical College and Hospital in Kolkata was brutally raped and murdered, allegedly by goons linked to the Trinamool Congress. Instead of seeking justice, TMC leaders reportedly pressured the hospital to forge reports, trying to cover up this horrific crime as a suicide. Even the principal of the hospital is a TMC stooge. Despite being shunted, this tainted principal returned to his position in 3 months for politics. But the truth couldn't be buried. Today it is clear that under TMC government of Mamata Banerjee, Ma, Mati, Manush are not safe in hospital. Only Balatkari is us. Only Bhrishtachari is us. आज हम सभी को एक होना पड़ेगा, न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, बिना डरे लिखना पड़ेगा, बिना डरे बोलना पड़ेगा। आज हम सभी को मिलकर इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा, ट्विटर ट्रेंड चलाने पड़ेंगे। आज आप एक्स यानी कि ट्विटर पर जाकर हैशटैग स्पीकअप फॉर शक्ति के साथ पोस्ट अवश्य करें, या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर भी इस हैशटैग के साथ पोस्ट अवश्य करें। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे मिल जाएं जो आपसे कहें कि सोशल मीडिया पर ही न्याय मांगते रहना, वैसे तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत से लोग आपको ये सब कहने वाले मिलेंगे, बट आज सोशल मीडिया की वजह से ही ममता दीदी का प्रशासन इस घटना को दबा नहीं पाया। आज सोशल मीडिया की वजह से ही इस घटना को सीबीआई को सौंपा गया है, वरना ये घटना तो 9 अगस्त को हुई थी और उसके 1-2 दिन तक तो इस घटना के बारे में किसी को पता ही नहीं था। जब सोशल मीडिया पर हमारे जैसे व आपके जैसे लोगों ने मिलकर एक साथ आवाज उठाई, तब जाकर ये घटना पूरे देश को पता लगी। वरना ममता दीदी की गुलाम पुलिस तो इस घटना को अननेचुरल डेथ बताकर रिपोर्ट दर्ज कर चुकी थी। इसलिए कम से कम आप सोशल मीडिया के जरिए तो अपनी आवाज उठा ही सकते हैं, हैशटैग स्पीकअप फॉर शक्ति के साथ आप पोस्ट करें, वरना ये घटना भी अन्य घटनाओं की तरह ही दबा दी जाएगी। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक इस डॉक्टर बहन के लिए न्याय नहीं मिल जाता, अपराधियों को सजा नहीं हो जाती है, तब तक हमारे लिए वह आपके लिए पोस्ट करता रहना होगा, ये ट्रेंड चलाते रहने होंगे। स्पीक अप फॉर शक्ति। ऑफिशियल आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मैं, मेरी तो माताजी का भी जन्मदिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। मैं खंडन करती हूं। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, इसमें झूठ है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सत्ता आपत्ति करता हूँ, ये मेरे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है, और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मुझसे माफी मांगी जाए पहले, डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है? नहीं, बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगे, मैं हरगिज़ नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकार करे? मुझे लगता है कि सुप्रिया जी के लिए एक अच्छे से मनोचिकित्सक से परामर्श ले ही लेना चाहिए। बाकी यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन वाले चैनल पर मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने द पेट्रोट ऑफिशियल वाले चैनल की इस वीडियो को नहीं देखा, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।